खबर देवरिया जनपद से, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को पूरा भारत बड़ी धूमधाम से मना रहा है। जगह जगह लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अलावा इस जनपद के प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी के रणबांकुरों को याद करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत आम जन को जागरूक किया जा रहा है। जनपद के गौरी बाजार क्षेत्र स्थित SBT पब्लिक स्कूल बखरा के चेयरमैन MN त्रिपाठी के नेतृत्व में बच्चों ने 2951 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों को एकता व अखंडता का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा में विद्यालय द्वारा झांकी निकाली गई। बच्चों के हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस दौरान प्रबंधक MN त्रिपाठी ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, आने वाले वर्षों में भारत विश्व गुरु मानेगा। इस महाअभियान के तहत SBT स्कूल के 1500 बच्चों को तिरंगा यात्रा में भाग लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनमानस को जागरूक किया। आजादी के रणबांकुरों को इस महान अवसर पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संरक्षक हेमंत मिश्रा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए गर्व का विषय है। हम इस महाअभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर देश के भविष्य कहे जाने वाले इन नौनिहालों के माध्यम से भी आजादी के रणबांकुरों को याद कर रहे हैं। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। SBT स्कूल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? SBT स्कूल के माध्यम से बस हम एक हमारे जो स्टूडेंट है उनके अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना निश्चल, इसमें कोई वर्ग या फिर कोई जात या फिर कोई धर्म ना हो, उनके राष्ट्रपति चाहे किसी भी धर्म किसी भी वर्ग के हो, उनके राष्ट्रभावना की भावना को जागृत करना ही SBT का पहला उद्देश्य था इस तिरंगा यात्रा में। Put your hands together, everybody! Louder! सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।